सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। इससे पहले मैंने जीओसी के कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैं आपको समझाया था हकर रूल, नॉमन क्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा नॉमन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमन क्लेचर कैसा करना है, ये इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आते रहता है, चाहे तो नीट हो या फिर जेडब्ल्यू हो, ठीक है। इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम ये रहता है, अगर किसी मॉलिक्यूल में मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नंबरिंग का ट्रिक्स समझा देता, ठीक है। नंबर वन है क्वार्टरनरी अमाइन, मीन्स क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको देना। सेकंड प्रायोरिटी है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के लिए। थर्ड सल्फोनिक एसिड। फोर्थ प्रायोरिटी देंगे हम अनहाइड्रेट को। फिफ्थ ईस्टर। सिक्स एसिड हैलाइड। नेक्स्ट एसिड अमाइड। फिर नेक्स्ट साइनेट और नाइट्राइल। नेक्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम आइसो नाइट्राइल को। फिर नेक्स्ट रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, थायोल, अमाइन, अल्कीन और अल्काइन। सबसे पहले आप ये पॉज करके नोट कर लेना, नॉमन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर किसी मॉलिक्यूल में मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नंबरिंग हम कहां से करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम क्वार्टरनरी अमाइन को, जिसको हम अमोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, अनहाइड्रेट, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, थायोल, अमाइन, अल्कीन और अल्काइन। तो इनके फंक्शन ग्रुप समझ लो आप, आर फोर एन एक्स, एन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, क्वार्टरनरी अमाइन। सेकंड प्रायोरिटी दी हमने यहाँ पर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड को। थर्ड प्रायोरिटी रहेगा बॉन्ड SO3H सल्फोनिक एसिड। फिर नेक्स्ट है अनहाइड्राइड CO2 by CO by 2O, ईस्टर बॉन्ड COOR। नेक्स्ट एसिड हैलाइड बॉन्ड COCl। नेक्स्ट है एसिड अमाइड CONH2, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम CN साइनाइड, आइसो नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन। अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप बॉन्ड OH, फिनॉल बॉन्ड OH, AR का डिफरेंस रहते हैं इसमें फिनॉल। फिर हम यूज करेंगे थायोल, अल्कीन बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड लास्ट वन इज अल्काइन। अगर आप ये ट्रिक्स याद कर लिए तो आपका नीट में और जेडब्ल्यू में एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पॉज करके पहले आप ये नोट कर लेना, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के यहाँ पे इसका नंबरिंग कैसे करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ठीक है ना।
अब इसकी कुछ एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर देता जिससे आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर वन, इजी टू हार्ट लेते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड ओ एच बॉन्ड सी एच थ्री। ठीक है, यह है एग्जाम्पल नंबर वन। अब यहां पर फंक्शन ग्रुप एक ओ एच है अल्कोहल और अल्कीन। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से अल्कोहल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब जहां से ओ एच ग्रुप नजदीक है उधर उस साइड से उसका नंबरिंग करेंगे हम। तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सेकंड कार्बन से ओ एच ग्रुप अटैच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, चार, इसलिए है कि हमने ब्यूट मीन्स चार कार्बन, थ्री इन डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन एटम से अटैच है, एंड टू ओएल, क्योंकि अल्कोहल का आईयूपीएसी में लिखते समय हम ओएल सफिक्स का यूज करते हैं। अब यहां पर ओएच ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हमने यूज किए ब्यूट थ्री इन और टू ओएल। ठीक है, एग्जांपल नंबर सेकंड, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इसमें कार्बन की क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन। 8 कार्बन वाले को ऑक्ट बोलेंगे, ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन। और यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, थर्ड फिफ्थ और सेवंथ। इस चीज का आईयूपीएसी नेम आएगा 1, 3, 5, 7 मीन्स डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, थर्ड कार्बन एटम से अटैच, फिफ्थ और सेवन। 1, 3, 5, 7 ऑक्ट टेट्रा ईन। ठीक है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड मोर देन वन प्रेजेंट है, चार डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इसलिए हमने क्या लिखा यहां पर टेट्रा और अल्किन का सफिक्स लगा दिए थे ई एन ई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड ओ एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच थ्री। अब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से कीटोनिक ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलेगा एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड अल्किन। ठीक है, तो इसके लिए आप नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट साइड से। ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम आएगा 4-हाइड्रोक्सी। ओएच ग्रुप फोर्थ कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हमने यहां पर लिखे 4-हाइड्रोक्सी। कार्बन की क्वांटिटी 6 है, इसलिए लिखेंगे हम हेक्स। डबल बॉन्ड फिफ्थ कार्बन एटम से अटैच है, 5 E, इसका E रिप्लेस करके यहां पर हमने 3-ONE यूज किए। क्यों? क्योंकि कीटोन का आईयूपीएसी में लिखते समय हम अल्केन का E रिप्लेस करके ONE यूज करते, अल्किन के लिए भी E रिप्लेस करेंगे। अल्कोहल का आईयूपीएसी में लिखते समय अल्केन का E हटा करके OL लगाते। ठीक है, नहीं तो आपने बेसिक में पढ़ा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच ओ बॉन्ड ओ एच बॉन्ड एन एच टू। एक एग्जाम्पल आप कैसे दे मान लो, तो इसमें फंक्शन ग्रुप अमाइन भी है, अल्कोहल भी है, कीटोन भी है और सी एच ओ अल्डिहाइड भी है। लेकिन यहां पर आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे अल्डिहाइड को और बाकी ये सारे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नंबरिंग अल्डिहाइड के पास से करेंगे हम, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? फाइव। थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखना आपने। फोर्थ कार्बन एटम से, थर्ड कार्बन एटम से क्या अटैच है? अमाइनो ग्रुप। तो थर्ड अमाइनो, फोर हाइड्रोक्सी OH है इसलिए हाइड्रोक्सी, टू कीटो बोल सकते हैं आप, चाहे तो ऑक्सो बोल सकते हैं। टू कीटो, कार्बन की संख्या इसमें फाइव, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेट है इसलिए पेंटेन, और उसका ई रिप्लेस करके एल, तो पेंटेनल क्या हो जाएगा? पेंटेनल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फिफ्थ, एक एग्जांपल आपके सारे एग्जाम में कि इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, तो हमारे को पता है कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर हम फंक्शन ग्रुप मानेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट है। ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये सेवंथ। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? सेवंथ। ठीक है, अब इसमें ब्रांचेस कौन कौन से कार्बन से अटैच है? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ कार्बन से ब्रोमीन अटैच है इसलिए हमने लिखे फाइव ब्रोमो, फोर फॉर्मिन कॉमा, सिक्स हाइड्रोक्सी। पूरे कार्बन कितने हैं? सात, इसलिए लिखे हमने यहां पर हेप। ठीक है, हेप मीन्स सेवन कार्बन एटम। फोर इन डबल बॉन्ड, सेकंड फोर्थ कार्बन एटम से अटैच है, उसका ई रिप्लेस करके यहां पर लगा दिया हमने ओ आई सी और एसिड। क्या यूज किए? ओ आई सी एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सिक्स, ये एग्जांपल है, इसका नंबरिंग करेंगे हम एसिड ग्रुप के पास से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ठीक है, ये अल्कीन है, दस कार्बन वाले को हम डिकीन बोलेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर मैंने करेक्ट नंबरिंग किया इसका, ये फर्स्ट कार्बन आइटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ठीक है, सेकंड कार्बन एटम से सीएल ग्रुप अटैच है तो इसका नेम आएगा टू साइनो। ठीक है, और कीटोनिक ग्रुप जो है थर्ड और सिक्स कार्बन से अटैच है, कॉमा थ्री कॉमा सिक्स डाई कीटो, टू साइनो थ्री सिक्स डाइकीटो, कॉमा फाइव कॉमा सेवन डायमिथिल, फाइव कॉमा सेवन डायमिथिल। कार्बन की क्वांटिटी है इसमें टेन, इसको डिक बोलेंगे, दस कार्बन डिकीन अल्किन में, और डबल बॉन्ड एट कार्बन से अटैच है, एट इन, और इसका ई हटा करके ओ आई सी एसिड। तो ये शब्द तैयार हो गया जब इसका आईयूपीएसी नेम आएगा करेक्ट, टू साइनो थ्री कॉमा सिक्स डाइकीटो फाइव कॉमा सेवन डायमिथिल डिक एट इन और ओ आई सी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट
एग्जाम्पल नंबर सेवन. देखिए अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसा आएगा. यहां पर फंक्शनल ग्रुप माने हमने किसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को. ये फर्स्ट कार्बेटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, ठीक है ना. लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, सात है, ठीक है. अब सिक्स नंबर के कार्बन से अटैच है साइनो ग्रुप, तो यहां लिखे हमने सिक्स साइनो, सी एन एस साइनो हो जाएगा, कॉमा फाइव फॉर्मिल, सिक्स साइनो फाइव फॉर्मिल, कॉमा थ्री मिथॉक्सी, ये ओ सी एच थ्री है, थ्री मिथो ऑक्सी, कॉमा फोर मिथॉक्सी कार्बोनिल. इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना. ये हो गया मिथॉक्सी और ये सीओ कार्बोनिल जिसको हम ईस्टर बोलते हैं, लेकिन यहां पर हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट माने, ठीक है. फोर मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, और पूरे कार्बन की क्वांटिटी कितने, सात, इसलिए और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए बोलेंगे इसको हेप्टेन. इसका ए हटा करके मैंने ओ आई सी एसिड यूज किया, तो ये शब्द तैयार लेना, हेप्टेनोइक एसिड मीन्स सिक्स साइनो फाइव फॉर्मिल थ्री मिथॉक्सी, ठीक है, फोर मिथॉक्सी कार्बोनिल इसके लिए लिखेंगे और हेप्टेनोइक एसिड, अल्केन का ई हटा करके हमारे को ओ आई सी एसिड यूज करना था, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर एट. और एक एग्जाम्पल है, यहां पर हम फंक्शन ग्रुप किसको मानेंगे, एल्डिहाइड को. नंबरिंग इसका, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और ये एट. लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, आठ कार्बन है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ऑक्टेनॉल लास्ट में सफिक्स, ठीक है ना. थर्ड कार्बन से अटैच है ब्रोमीन, इसलिए हमने लिखे यहां पर थ्री ब्रोमो, ठीक है. नेक्स्ट कॉमा फाइव कीटो कॉमा फोर कॉमा सेवन डाइमिथिल, दो मिथिल अटैच है, कॉमा सिक्स आइसोप्रोपिल, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री, सिक्स आइसोप्रोपिल, कार्बन कितने, एट, ऑक्टेन. इसका ये हटा करके मैंने यहां पर यूज किया ऑक्टेनल, क्या यूज किया, ऑक्टेनल, ठीक है. एग्जाम्पल नंबर नाइन्थ. हाँ अब यहां पर आप किसको मानेंगे, फंक्शन ग्रुप सी एच ओ को मानेंगे कि सी एन को. तो मैंने लेक्चर की स्टार्ट में आपको प्रायोरिटी लिखा के दिया कि सी एन को यहाँ पर आप फंक्शन ग्रुप मानेंगे, बाकी जितने ये जो फंक्शन ग्रुप लिख रहे हैं आपको यहाँ पर ये एज अ काम करेंगे, कैसा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक है ना. तो थर्ड कार्बन से अटैच है ब्रोमीन, थ्री ब्रोमो कॉमा टू फॉर्मिल फोर हाइड्रोक्सी फाइव मेथिल और कार्बन कितने प्रेजेंट हैं इसमें, चेन में छह कार्बन है, इसलिए कि हेक्सेन और नाइट्राइल, साइनिक का सेकंड नेम है नाइट्राइल. तो याद रखिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या है,
चेक कर लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का अल्केन में हम हेक्सेन बोलेंगे क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6, ठीक है ना। ब्रोमीन थर्ड कार्बन से अटैच है, इसके लिखे हमने 3 ब्रोमो, 2 फॉर्मिन, 4 हाइड्रोक्सी, 5 मिथिल और हेक्सेन नाइट्राइल। क्या हो जाएगा, हेक्सेन नाइट्राइल, ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जाम्पल CH3 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH2, बॉन्ड COOH और ये है CN। यहां से नंबरिंग करेंगे इसका, 1, 2, 3, ये 4। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन है इसमें बोलो बच्चों, 4 कार्बन। थर्ड कार्बन से क्या अटैच है, साइनो ग्रुप, तो यहां लिखे हमने 3 साइनो कोमा 3 मिथिल। कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 4, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए लिखेंगे ब्यूटेन, है ना, और उसका ई हटा करके OIC एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या तैयार लेना, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11, थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। COOH, CHO, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड CN, बॉन्ड OH। अब कहां से आप नंबरिंग करें तो बेटर रहेगा, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बन एटम से नजदीक है वहां से उसका नंबरिंग करना है। तो ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से, ये थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ और ये फिफ्थ कार्बन एटम, ठीक है। तो सेकंड कार्बन एटम से क्या अटैच है, साइनो ग्रुप, तो यहां लिखे हमने 2 साइनो 4 फॉर्मिल, 2 साइनो 4 फॉर्मिल, 3 हाइड्रोक्सी, 5 कीटो और रिंग में कितने कार्बन है, 5, तो इसकी लिखी है साइक्लो पेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड ग्रुप जो है फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हम यहां पर लिखे साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन थे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12, COOH, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ बॉन्ड CH3, बॉन्ड CHO, सी डबल बॉन्ड ओ CN और यहां यूज किया हमने NH2, ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देंगे, है ना, सेकंड प्रायोरिटी किसका आएगा, ईस्टर COOR, ठीक है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक है। फिफ्थ कार्बन एटम से अटैच है अमाइनो ग्रुप, तो यहां लिखे हमने 5 अमाइनो कॉमा 2 साइनो 3 फॉर्मिल 6 कीटो, कीटोनिक ग्रुप 6 कार्बन एटम से अटैच है, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल और इसमें कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, रिंग में 6, इसलिए यहां लिखेंगे हम साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 6, साइक्लोहेक्सेन
वन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या रहेगा, वन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, ध्यान से निकलाओ। आईडी ग्रुप से फर्स्ट कार्बन का मटेरियल दिख रहा है, यहाँ से इसका नंबरिंग करेंगे, क्योंकि रिंग का सिलेक्शन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। सेकंड कार्बन से ओएच ग्रुप अटैच है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा टू हाइड्रोक्सी कॉमा फोर मिथिल, टू हाइड्रोक्सी फोर मिथिल साइक्लो ब्यूट थ्री इन और वन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम टू हाइड्रोक्सी फोर मीथिल साइक्लो ब्यूट थ्री इन वन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, इसका रिपीटली करेक्ट आंसर करेक्ट आईपीसी ने बताओ क्या आएगा। देखो वन टू थ्री फोर फाइव, रिंग में कितने कार्बन पड़े हैं, पांच, तो यहां लिखे हमने साइक्लोपेंटेन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। और कीटोन ग्रुप फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कार्बन एटम से अटैच है, वन कॉमा टू कॉमा फोर ट्राई, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इसका नंबरिंग कहाँ से की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, साइक्लो पेंटेन वन टू फोर ट्रायोन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15, CHO और CHO, ठीक है। अब यहां पर हमने साइक्लिक कंपाउंड से अटैच किए एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका आईयूपीसी नेम नंबर ही देखो कैसा करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, तो इसका आईयूपीसी नेम आएगा साइक्लोपेंटेन, पांच कार्बन है इसलिए क्या लिखे हमने साइक्लोपेंटेन वन टू फोर, वन कॉमा टू कॉमा फोर ट्राई कार्बल्डिहाइड, ठीक है, साइक्लोपेंटेन वन टू फोर ट्राई कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, तो इसका कंसेप्ट याद रखना आपने, नंबरिंग ऐसा करना कि जिसमें दोनों डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर आप नंबरिंग यहां से करेंगे तो रॉन्ग हो जाए ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि ब्रांच दूर हो जाएगी। अगर आप नंबरिंग यहां से करेंगे वन
और थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसका आईयूपीएसी नेम आएगा थ्री मिथिल साइक्लोहेक्स वन इन, ठीक है ना, थ्री मिथिल साइक्लो छह कार्बन है, हेक्स वन इन डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, हेक्स बोल तो छह कार्बन और रिंग है इसलिए, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या है ना, तो ना देखिए एग्जांपल नंबर 17 में सिलेक्शन हमारे को यहाँ से करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड भी इधर से काउंट हो जाएगा, ब्रांच भी इधर से नजदीक है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स, इसका आईयूपीएसी नेम है वन मिथिल साइक्लोहेक्स वन इन, ठीक है। ये नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18, इसका आईयूपीएसी नेम देखिए आप कैसा आएगा, यहां पर आपको इस ग्रुप के पास से नंबरिंग करना है ना, यहां से ये फर्स्ट कार्बन एटम रहेगा क्योंकि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम सी एन को, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा टू फॉर्मिल, ये टू फॉर्मिल फोर हाइड्रोक्सी, टू फॉर्मिल फोर हाइड्रोक्सी सिक्स कीटो फाइव मीथिल, रिंग में कितने कार्बन है, सिक्स, इसलिए साइक्लो हेक्स, ठीक है, फोर्थ कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, फोर इन वन कार्बोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, वन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है ना। नेक्स्ट रिसाइकिल कंपाउंड के एग्जाम्पल सफिशियंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर। एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है, सी एच ओ और सी एच ओ, इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा, है ना, देखिए दो कार्बन है इसलिए एल्केन में क्या बोलेंगे आप इसको, इथेन, फर्स्ट और सेकंड कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, वन कॉमा टू डाई और एल्डिहाइड का हमने प्रेफिक्स यूज किए एल डायल। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20, अल्कोहल के एग्जाम्पल समझाते हैं आपको, सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच, इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकोल, क्या कॉमन नेम, इथिलीन ग्लाइकोल, और आईयूपीएसी नेम है इसका इथेन वन कॉमा टू डायोल, डायहाइड्रिक अल्कोहल की एग्जाम्पल है, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये बेसिक बेसिक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं आपको, सी एच टू बॉन्ड ओ एच सी एच बॉन्ड ओ एच और सी एच टू बॉन्ड ओ एच, है ना, डायहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, इनका आईयूपीएसी नेम लिखते समय अल्केन का कंप्लीट नेम लिखना, कितने कार्बन पड़े हैं इसमें, तीन कार्बन, तो अल्केन में इसको बोलेंगे हम प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड OH ग्रुप फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए हमने प्रोपेन 1.2.3 और ट्राई और अल्कोहल का मैंने सफिक्स यूज किया यहाँ पर OH, तो ये तैयार होगा प्रोपेन 1.2.3 और लास्ट रहेगा ट्रायोल, ठीक है। तो कुछ बेसिक बेसिक से एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड बता दिया आपको, है ना, अल्कोहल डायहाइड्रिक अल्कोहल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब नेक्स्ट समझाया था मैं आपको एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखिए आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एल और यहां पर हमने यूज किए सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ब्रांच, ये फर्स्ट कार्बन एटम सेकंड थर्ड फोर्थ
फिफ्थ और सिक्स। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? छह कार्बन। नंबरिंग हमने यहाँ से किया एसिड हाइलाइट के पास से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेकंड कार्बन एटम से अटैच है टू फॉर्मिन, फोर्थ कार्बन एटम से अटैच है हाइड्रोक्सी फोर हाइड्रोक्सी थ्री कीटो फाइव मीथिल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? छह। यहां लिखे हमने हेक्सेन, इसका ई हटा करके वाई एल हेक्सेनॉइल और क्लोराइड, तो ऐसे भी सकते वन हेक्सेनॉइल और क्लोराइड, ठीक है ना। टू फॉर्मिन फोर हाइड्रोक्सी थ्री कीटो फाइव मिथिल वन हेक्सेनॉइल और क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23, सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। एक तो एग्जाम्पल मैं आपको अनहेलेट के समझा देता हूं, CH3 CH3 CO O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसका IUPAC नेम आएगा इथेनोइक मीथेनोइक अनहाइड्रेट, जैसा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते थे R C डबल O H। जब H अटैच था तो उस समय लगाते थे हम IC और एसिड, और IUPAC नेम के लिए OIC एसिड। जैसा एक कार्बन रहा तो मीथेनोइक एसिड, दो रहा तो इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का H रिप्लेस करके और एक आर सी वाला H रिप्लेस करके हम OIC एसिड लगाते थे, तो ऐसे ही इसका IUPAC नेम आएगा इथेनोइक मीथेनोइक अनहाइड्राइट। इसका IUPAC नेम है इथेनोइक कॉमा मीथेनोइक और लास्ट में आपको लगाना है अनहाइड्रेट, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड लगाते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसका IUPAC नेम आएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक और अनहाइड्राइट, इथेनोइक कॉमा प्रोपेनोइक और लास्ट अनहाइड्राइट। तो मैं शॉर्ट में समझा दिया आपको क्या अनहाइड्राइट का IUPAC नेम कैसे लिखना, बाकी आपको घर पे प्रैक्टिस करना है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 25, जिसमें हम कुछ एग्जांपल अमाइन्स की समझ लेंगे। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, यहां इसका नंबरिंग करना है 1 2 3। इसका IUPAC नेम रहेगा प्रोपेन वन अमाइन। ये थोड़ा सा बेसिक लेवल बता दे रहा हूं आपको अमाइन्स के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड, CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी अमाइन की। अब सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी अमाइन का IUPAC नेम लिखते समय अल्केन का ई हटा करके हम अमाइन लगाते थे, ठीक है। अभी सेकेंडरी अमाइन के लिए भी जो पेरेंट अल्केन है उसका सिलेक्शन करना, ये हमने इसका सिलेक्शन की। अब ये छोड़ करके नाइट्रोजन से क्या अटैच है? मीथिल ग्रुप, तो यहाँ लिखा मैंने एन मीथिल कॉमा इथेन, उसका ई रिप्लेस करके मैंने यहाँ पर अमाइन यूज किया सेकेंडरी अमाइन के लिए। जो पेरेंट अल्केन है उसका ई हटा करके हमारे को अमाइन लगाना है, और यहाँ पर नाइट्रोजन से क्या अटैच है चेक कर लो, है ना। एक मीथिल ग्रुप है, इसे लिखा मैंने एन मीथिल इथेन अमाइन। एक टर्शियरी एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। CH3 बॉन्ड एन C2H5 बॉन्ड C2H5, ठीक है। इसका कॉमन नेम तो है डाइथिल मिथिल अमाइन, इसका कॉमन नेम था इथिल मिथिल अमाइन।
इसका आईयूपीसी नेम क्या आएगा, जो पेरेंट एल्केन है उसका ई हटा करके आपको अमाइन लगाना है, ठीक है। लास्ट में तो इथेन अमाइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस नाइट्रोजन से एक इथिल ग्रुप अटैच है, एक मिथिल ग्रुप अटैच है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया एन इथिल कॉमा एन मिथिल, एन इथिल कॉमा एन मिथिल और इथेन अमाइन, एन इथिल एन मिथिल इथेन अमाइन। तो शॉर्ट में मैं एग्जांपल बताया आपको प्राइमरी अमाइन का आईपीसी नेम कैसे लिखना है, सेकेंडरी का कैसे लिखना था और टर्शियरी का कैसे लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एग्जाम्पल का 28, कुछ एग्जाम्पल हम अल्केन के लिए लेते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अगर आप यहाँ से सेक्शन करते, सॉरी यहाँ से आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन करते तो रॉन्ग हो जाता था, ठीक है ना, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा आता था, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये करेक्ट है, क्योंकि आईयूपीएसी में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूस चेन, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रांचेस थर्ड कार्बन से और फिफ्थ कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम रहेगा 3,5 डाइमिथिल, 3,5 डाइमिथिल और हेप्टेन, 3,5 डाइमिथिल हेप्टेन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 29, अब इसका आईयूपीएसी में बता दो अब क्या आएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, अगर हम ऐसा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह यहाँ से कि 1, 2, 3, 4, 5 मतलब सेम आएंगे कार्बन की संख्या, तो ये हमने करेक्ट सिलेक्शन की। थर्ड कार्बन से दो इथिल ग्रुप अटैच है, इसलिए लिखे हमने 3,3 डाई इथिल और पेंटेन, 3,3 डाई इथिल पेंटेन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 30, ये लास्ट एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है इसका करेक्ट सिलेक्शन। इसका आईयूपीएसी नेम आएगा 4-ब्रोमो, ठीक है ना, 3,5 डाई कीटो, 2-मिथिल, कार्बन कितने होंगे इसके में 7, इसलिए हेप्टेन, उसका ए हटा करके हमने ए लगा ली, ठीक है ना। तो ये थी 30 एग्जांपल, ठीक है। और दो चार एग्जांपल मैं आपको होमवर्क देता, वो आपने सॉल्व करना और मुझे कमेंट करना। वन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ईस्टर को यहां पर आप फंक्शन ग्रुप मानना, और ईस्टर के लिए क्या लगाते हैं हम, अल्केन का ई हटा करके ओ ए टी ई, अल्केनोइट, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी एच ओ। और एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सी डबल ओ एच सी एन, सी डबल बॉन्ड ओ और ये
बी आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा लेक्चर एंड होता है और अब रात के बज रहे हैं 2:30, और आज का डेट है 19 फेब 2020, और ये हमारा लेक्चर नंबर थर्ड, GOC, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर कैसा करना। तो ये टोटली नीट JEE और MSTT लेवल था। अब किसी लेक्चर में मैं एक बेसिक लेवल समझा दूंगा कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, अमाइड, इसके नोमेनक्लेचर कैसा करना है, ठीक है। ओके, बाय।